गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू बेटा? थोड़े दिनों से वीडियो मैं सेंड नहीं कर सका क्योंकि तबीयत ख़राब है बहुत ज़्यादा। आज ट्राई की है वीडियो बनाने की, सिलेबस थोड़ा ज़्यादा ही हमारा नहीं जो पीछे रह जाएगा। कोई बात नहीं बेटा, ठीक होने के बाद मैं संडे को भी वीडियो सेंड कर दूँगा, आप टेंशन मत लेना। फ़िलहाल आपको क्या करना है जो है अच्छे से कर लो, क्लियर है? आज जितने भी एक दो टॉपिक होते हैं बेटा ट्राई करता हूँ मैं। अब हमने किसके बारे में पढ़ा था? ईएमएफ के बारे में पढ़ा था। ईएमएफ के बारे में पढ़ा था, और किसके बारे में पढ़ा था हमने? वोल्टेज, ईएमएफ, इनके रिलेशन के बारे में पढ़ा था। स्मॉल इंटरनल रजिस्टेंस के बारे में पढ़ा था। आज हमारा टॉपिक है क्या है? सेल इन सीरीज, ठीक है? हमने सेल के बारे में पढ़ा था ना, ठीक है? आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? सेल्स इन सीरीज के बारे में, के जो हमने पढ़ा था सेल का टॉपिक, इसके कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे हम। तो पहला कॉम्बिनेशन कौन सा करेंगे? सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा सेल के बारे में। हमने पढ़ा था क्या कि ये सेल का सिंबल था, ये इंटरनल रजिस्टेंस था। अब आपको, मेरे को पता है कि आपको पता होगा कि इंटरनल रजिस्टेंस किसको बोलते हैं, जो घरों का सेल था मैंने बताया था ना, यही होता है। ये पॉजिटिव टर्मिनल, एक हमारा नेगेटिव टर्मिनल, क्लियर है? ठीक है, तो आज मैं आपको सेल का सीरीज कॉम्बिनेशन करवाता हूँ। सीरीज़ के अंदर आपको क्या ध्यान रखना है, ये देखो, ये हमारा क्या आ गया? फर्स्ट सेल, इंटरनल रजिस्टेंस। ये क्या आ गया? सेकेंड सेल। ये इसका क्या आ गया? इंटरनल रेजिस्टेंस। ऐसे करते ही 3, 4, 5, 6, 7 हमने बहुत सारे सेल लगा दिए, ठीक है? और किसके अंदर लगाए हैं? सारे के सारे सीरीज में, ठीक है? और ये लास्ट का एनएच सेल हमने लगा दिया, किस में लगा दिया? सीरीज में, ठीक है? हमने कौन सा कॉम्बिनेशन किया है? ये सीरीज कॉम्बिनेशन। और ये क्या है? इसका इंटरनल रजिस्टेंस आर है, ठीक है? ईएमएफ कितना है? ई, हर एक का ईएमएफ कितना कंसीडर किया है हमने? ई कंसीडर किया है, ठीक है? यहाँ हम क्या लगाते हैं? एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी लगा देते हैं। सर्किट में क्या लगा दिया हमने? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर लगा दिया, ओके? हमने क्या लगाए हैं? हमने ये पूरा एक किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एक सेल को, ये दूसरे सेल को। ऐसे करते करते बहुत सारे सेल लगाए हैं हमने किसके अंदर? सीरीज में। सीरीज पता है ना बेटा, एक का नेगेटिव दूसरे का पॉजिटिव, अगले का नेगेटिव अगले का पॉजिटिव। इस कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन। ये स्मॉल आर क्या है? इंटरनल रजिस्टेंस। कैपिटल आर क्या है? एक्सटर्नल रजिस्टेंस, ठीक है? लोड रजिस्टेंस बोलते हैं। ये हमारी बैटरी बन गई कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, है? पर अरेंज किस में कर रखा हमने? सीरीज में, ठीक है? ये हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है बेटा। ये हो सकता है गाड़ी का हॉर्न हो, गाड़ी की हेडलाइट हो, ठीक है? ये कुछ भी हो सकता है, ये बात समझ आती है? ये हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। अब देखो ध्यान से, हमें क्या देखना है? हमें करंट की वैल्यू निकालनी है, और करंट का फॉर्मूला ओम्स लॉ से आपको बताया, इज इक्वल टू वी बाय आर होता है, क्लियर है बात? ठीक है, तो बेटा सबसे पहले हम निकालेंगे इस केस में ईएमएफ कितना होगा, टोटल ईएमएफ। टोटल ईएमएफ, टोटल ईएमएफ कितना होगा? एक का कितना है? ई है, दूसरे का ई, सबका कितना है? सपोज किया हमने सबका कैसा है? सेम है ईएमएफ, ठीक है? अगर एक का 2 वोल्ट है, कितने लगा दिए हमने? 5 लगा दिए, तो कितना हो जाएगा? 2 5 10 वोल्ट हो जाएगा। अगर मैं कह दूँ एक का 1.4 है और 4 लगा रखे हमने, तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, क्लियर है बात बेटा? तो उस केस के अंदर आपको समझ आता है, एक का ई है और है कितने? एन। तो टोटल कितना हो जाएगा? एन इंटू ई। एक का 2 वोल्ट था और थे कितने? 4, तो कितना हो गया? 2 4 4 2 8 वोल्ट, क्लियर है बात? तो हमारे पास टोटल क्या आ गया बेटा? ये ईएमएफ आ गया। अब टोटल रजिस्टेंस निकालते हैं। क्या निकालते हैं हम? टोटल रजिस्टेंस। टोटल रजिस्टेंस का क्या मतलब है बेटा? एक का रजिस्टेंस आर, आर आर है कितने? एन है, तो इनका रेजिस्टेंस कितना बन जाएगा? एन आर, ये बात समझ आई है? उसके बाद बेटा आप कहोगे सर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी है, तो बिल्कुल है, और वो किस में है? सीरीज में है। कितना बन जाएगा वो हमारा? एन आर प्लस में आर, ठीक है? हमारे पास क्या आ गया बेटा?
टोटल ईएमएफ आ गया, टोटल रेजिस्टेंस आ गया, ठीक है। अब हम क्या निकालते हैं, करंट निकालते हैं। करंट का फॉर्मूला क्या होता है, वी बाय आर। आपको पता है ना ईएमएफ, टर्मिनल पोटेंशियल, वोल्टेज पोटेंशियल, ठीक है, सारे क्या हैं तो वोल्टेज ही सारी की सारे, ठीक है। कोई मैक्सिमम है, कभी करंट फ्लो कर रहा है सर्किट में, वो हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद क्या आ गया नीचे, क्या टोटल रेजिस्टेंस, तो करंट की वैल्यू क्या निकालेंगे, टोटल ईएमएफ मतलब टोटल वोल्टेज कितनी है, एन ई बाय में टोटल रेजिस्टेंस कितना है, एन आर प्लस में आर। तो बेटा ये हमारा किसका फॉर्मूला आ गया, करंट का फॉर्मूला, किस केस के अंदर, सीरीज के केस के अंदर। मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है बेटा, ध्यान रखना, फॉर्मूले का जरूर रट्टा मारना है अच्छे से। क्लियर है, समझ आती है बात, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब इसके अंदर लगा देते हैं हम स्पेशल कंडीशन। स्पेशल कंडीशन आपको ज़रूर याद रखनी है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, हर एक चीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से। करंट का फॉर्मूला हमें पता है, जब मैं बोलता हूँ आपको फर्स्ट केस में, व्हेन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैसा है, बहुत ही ज़्यादा है इंटरनल रेजिस्टेंस से, तो हम क्या बोलेंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या चल जाएगा, नेगलिजिबल। इंटरनल रेजिस्टेंस नेगलेक्ट कर दो, क्या बन जाएगा करंट का फॉर्मूला हमारे पास, आई इज इक्वल टू एनी अपॉन में आर। ये बात समझ आती है, ठीक है। तो करंट किसके बराबर आ गया हमारा, एन ई अपॉन में आर, ठीक है। अब इसके अंदर सेकंड कंडीशन लगाते हैं, क्या बन जाएगा, जब इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा किससे, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से, क्या बन जाएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो आर क्या हो गया, नेगलेक्ट हो गया, ठीक है। लगा दो कंडीशन में, क्या बन जाएगा, आई इज इक्वल टू एन ई अपॉन एन आर, ठीक है। कैपिटल आर को हमने क्या कर दिया, नेगलेक्ट कर दिया, क्योंकि स्मॉल आर से कैसा है, कैपिटल आर नेगलिजिबल है, ठीक है। एन से एन क्या हो गया बेटा, कैंसिल, तो आई किसके बराबर आ गया, यहाँ हमारा ई बाय में आर के बराबर। क्लियर है बात, दो स्पेशल कंडीशन, व्हेन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और व्हेन इंटरनल रेजिस्टेंस, करंट की वैल्यू आपको समझ आनी चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद एक चीज़ का और आपको ध्यान रखना है, इन केस ऑफ आ सिंगल सेल, इन केस ऑफ अ सिंगल सेल, अगर सिर्फ यहाँ क्या लगाओ, एक सिंगल सेल लगाओ, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाओ, सिंगल सेल के केस में एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एन क्या बताया था हमने, टोटल नंबर, क्लियर बात है, ये तो बताया था टोटल नंबर ऑफ सेल। अब मैं बात करता हूँ इन केस ऑफ अ सिंगल सेल। अब सिंगल सेल की जब हम बात करेंगे तो उस केस में आप क्या बोलोगे, सर एन कितना हो जाएगा, वन बन जाएगा, एन एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वन आ जाएगी। तो करंट क्या बन जाएगा बेटा सिंगल सेल के केस में, आई इज इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस आर। क्लियर है बात, इन केस ऑफ अ सिंगल सेल करंट का फॉर्मूला क्या बन गया, ई अपॉन आर प्लस आर। एन की जगह क्या वैल्यू पुट कर दी हमने, वन, क्योंकि सिंगल सेल की बात हुई है ना, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब यहाँ पहली कंडीशन क्या लगा देते हैं, कैपिटल आर कैसा है जब स्मॉल आर से बहुत ज़्यादा है, तो करंट किसके बराबर आ जाएगा बेटा, ई अपॉन में कैपिटल आर। या सेकंड कंडीशन लगा दो, क्या स्मॉल आर की वैल्यू कैसी है, बहुत ज़्यादा है कैपिटल आर से, तो करंट का फॉर्मूला क्या बन जाएगा बेटा, ई अपॉन में कैपिटल आर। ये बात समझ आती है, ठीक है। तो ये हमारे पास किसके फॉर्मूले बन गए बेटा, जब करंट की वो वैल्यू, करंट की वैल्यू हमने निकाली है दोनों केस में, लेकिन किसके लिए, सिंगल सेल के लिए। सिंगल सेल करते हमने एन की वैल्यू कितनी पुट कर दी, यहाँ पे वन पुट कर दी, करंट का फॉर्मूला ये बन गया हमारा, ठीक है। एन वन, यहाँ भी एन वन आ गया, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया। अच्छा, उसके बाद हमने स्पेशल कंडीशन लगा दी। तो बेटा ये पूरा का पूरा किसके बारे में था, सेल इन सीरीज के बारे में था। अब क्वेश्चन क्या बनाएगा वो यहाँ से आपके लिए, क्वेश्चन ये बनेगा बेटा कि करंट बताओ मैक्सिमम कब होगा। अब चार देखिए आपने कंडीशन, एक दो तीन चार, चार करंट के पढ़े आपने, ठीक है। एक, चारों में करंट सबसे ज़्यादा बताओ कब है, किस केस में, ई बाय आर, ई बाय आर, ई बाय आर। ये बात समझ आ रही है, तीन केस में तो करंट आपको क्या दिख रहा है, ई बाय आर, लेकिन फोर्थ केस में आपको क्या दिख रहा है, एन ई बाय आर। इसका मतलब आपको पता होना चाहिए, इन केस ऑफ अ सीरीज करंट इज मैक्सिमम, ठीक है। इन केस ऑफ अ सीरीज कॉम्बिनेशन करंट मैक्सिमम कब होगा,
करंट मैक्सिमम कब होगा, व्हेन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज वेरी वेरी ग्रेटर देन इंटरनल रेजिस्टेंस। ये बात समझ आती है? ठीक है, तो वो आपको बोलेगा कि हम सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट मैक्सिमम कैसे गेन कर सकते हैं। तो आप क्या बताओगे, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत ज़्यादा करके एज़ कम्पेयर टू इंटरनल रेजिस्टेंस। ये बात समझ आती है? ठीक है बेटा, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा ना इंटरनल से, तो करंट की वैल्यू कैसी होगी, सबसे ज़्यादा। किस केस के अंदर बेटा, सीरीज की बात कर रहा हूँ, ध्यान से सुन लेना, फोकस लगा लेना इस बात के ऊपर, ये क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि, ठीक है ना। करंट हम कैसे मैक्सिमम गेन कर सकते हैं, कि ये हमारा हॉर्न है, इसका रेजिस्टेंस कितना करना पड़ेगा हमें, इंक्रीज़ कर देंगे, इसका है 100 ओम, इसका कितना 0.02 ओम। ठीक है, ये बात समझ आ रही है, 0.02 ओम है इनके। तो हम क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 100 ओम बहुत ज़्यादा है किससे, इंटरनल रेजिस्टेंस से। तो उस केस के अंदर करंट कैसा मिलेगा हमें, मैक्सिमम मिलेगा। और तीनों केस में करंट देख लो कैसा, अप्रोक्सीमेट सेम है तीनों केस में। इसमें करंट कैसा है, n टाइम्स e बाय r के। क्लियर है? ठीक है, तो बेटा बस अभी इतना ही, और ज़्यादा बोला नहीं जा रहा। आप पढ़ लेना, इसके न्यूमेरिकल कर लेना। आपके लिए मैं वीडियो बनाता रहूँगा, बेशक छोटी बनाऊँ पर बनाऊँगा ज़रूर। ओके बेटा, बाय, टेक केयर।